माइक नंबर दो में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई कतार में खड़े हों तो वो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अभिजीत जावलकर है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मुस्लिम कुरान के ऊपर हाथ रखकर कोई कसम खा ले तो क्या वो कसम वापिस ले सकता है? भाई साहब ने पूछा है कि अगर कोई मुसलमान कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है तो क्या वो कसम वापस ले सकता है कि नहीं। आम तौर पे कोई भी मुसलमान कसम खाता है, चाहे कुरान पे हाथ रखे या नहीं रखे, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अगर उसे पता चला वो कसम गलत चीज़ है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वापस ले सकता है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान अगर अपने ज़बान से कहता है, कसम खाता है या इंशाअल्लाह कहता है, उसका फ़र्ज़ हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे। कुरान पे हाथ रखना नहीं रखना ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि मैंने कुछ गलत चीज़ कह दिया हूँ और किसी का नुकसान होगा, या शरीयत के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के रसूल के पैगाम के ख़िलाफ़ है, फिर उस कसम को तोड़ सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर वो कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के ख़िलाफ़ नहीं है, तो उसे अमल करना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं कुरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेता है और कसम खाता है, आम तौर पर अल्लाह का नाम छोटी मोटी बात में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेके कोई कसम खाता है, टेक्स एंड ओथ इन द नेम ऑफ अल्लाह सुभाना व तआला, फिर उसके ऊपर और लाजिम हो जाता है। और अगर वो उस कसम को पूरी ना कर सके, उसे कफारा देना पड़ता है। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाइत में कई इख्तियानियत है, लेकिन इख्तलाफ भी है। एक इख्तलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते मुसलमान से ज़्यादा, और हम मानते हैं खुदा खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते एटर्निटी में, लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं। और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मौजज़ा किए, मौजज़ा के ज़रिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने वालों को फ़र्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुबहाना व ताला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, आम पैगंबर ने। हदीस में जिक्र आता है कि पांच अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम, आम पैगंबर ने। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुबहाना व ताला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मौजज़ा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से। मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा, जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज़ नहीं मानते। जब कहते हैं गॉड सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये एक अहम इख्तलाफ है, छोटा इख्तलाफ और है, सबसे अहम इख्तलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूँ जिक्र मजहब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूँ आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस्लाम और दिगर मजाहब के तालिब इल्म नहीं है। मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूँ। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाएं मुझे
बिना शक के, बिना शुबा के, जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। जब आप बाइबल का मुताला करते में पता चलता है कि ईसा अलैहि सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं मैं फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूं, एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से फैसला करता हूं, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो खुदा चाहते वही करता हूं। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जो खुदा चाहते मैं करता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहि सलाम मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो ईसाई थे। अब पूरे बाइबल में वर्ड क्रिश्चियनिटी बाइबल में है ही नहीं, पूरे बाइबल की आप छान करो, वर्ड क्रिश्चियनिटी नॉट देयर इन द बाइबल, एक वर्ड है क्रिश्चियन इन द बुक ऑफ एक्ट्स। वो लकब दिया गया था ईसा अलैहि सलाम के मानने वालों को, क्रिश्चियन लकब। आप आगे पढ़ते लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर हु हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज सुन रहे ईसा अलैहि सलाम कहते हैं वो मेरे नहीं है, वो खुदा के है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो दिस वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम थाउ हैज सेंट, यू मे नो दिस इज लाइफ इटर्नल। और अब ये जान लो खुदा एक है, और ईसा अलैहि सलाम को उस खुदा ने भेजा। और साफ अल्फाज में लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स व्हिच गॉड डिड बाय मीन, यू आर विटनेस टू इट। ए इज़राइलो सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ, जीसस जो नसारा के थे, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, amongst you by wonders and miracles, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजदा दिखाए, wonders and miracles which God did by him, और खुदा ने उनके जरिए किए। तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैहि सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे, और जितने भी चमत्कार मौजदा किए वो खुदा ने उनके जरिए किए। अब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर, उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहां कहा गया है बिना कोई शक बिना कोई शुबा ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं। जब ईसा अलैहि सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहि सलाम की और इज्जत करते हैं। अगर आप ईसा अलैहि सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहि सलाम की इज्जत नहीं करते। तो ये कहना कि ईसाई ईसा अलैहि सलाम की इज्जत और करते बिल्कुल गलत है। हम मुसलमान ईसा अलैहि सलाम की इज्जत और करते हैं। अगर आप तहकीक करेंगे, ईसा अलैहि सलाम की खतना हो चुकी है, क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते, मुसलमान खतना करते? ईसा अलैहि सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज बाइबल की फॉलो करना चाहिए? लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7-8, क्या आप सुअर का गोश्त मत खाओ, खिर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2-5, हम सुअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते, हिजाब करना है। लिखा है बाइबल में फर्स्ट टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, फर्स्ट बुक ऑफ कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6, हम हिजाब करते आप नहीं करते। तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहि सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहि सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं है। लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहि सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। और मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो,
और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहि सलाम की और इज्जत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक सवाल की गुंजाइश है, मैं सिख भाई से कहना चाहता हूं कि आप अपना सवाल मुख्तसर तौर पर और शॉर्ट में करें। मैं कहूंगा, मेरा ये सवाल ये है कि हमारे सिख धर्म और हिंदू धर्म में जानवर का गोश्त खाना सख्त मना है, गुरु नानक साहब ने एकदम सख्त मनाई दी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कुरान में भी इस तरह कहा गया है कि आप जानवर का गोश्त खा सकते हैं। भाई साहब, वक्त ख़त्म होने की वजह से हमें लिहाज रखना चाहिए जो ये रूल है देश का। कुरान मजीद में कई आयतें, सूरह नहल सूरह नंबर 16 में, सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में जहाँ लिखा गया है कि वो जानवर जो हलाल है, जो चौपाइये है, मिसाल के तौर पे भेड़ बकरी गाय, इसका गोश्त खा सकते हैं। जो मुमानियत है वो सूअर का गोश्त, उसके अलावा जो भी हर्बिवोरस एनिमल है, जो घास फूस खाते हैं, वो जानवर को अगर बराबर से ज़बह किया गया है उसको आप खा सकते। और मालूमात के लिए आप मेरा डिबेट देखिए, इस नॉन वेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर द ह्यूमन बीइंग। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान, आपने अल्हम्दुलिल्लाह सब्र का दामन थामे रखा और साथ दिया इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। अब आखिरी वक्त है अभी जाने का, सब लोगों के निकलने का, एग्जिट एक ही है, इसलिए इंतहाई इत्मीनान के साथ, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ की तकलीफ से दूसरा मुसलमान बचा रहे, इसलिए इत्मीनान के साथ, आहिस्तगी के साथ तशरीफ़।